दोस्तों आप देख रहे हैं एसोसिएट्स टीवी और मैं हूं आपका अपना डॉक्टर मृगांक शर्मा। आज हम बात कर रहे हैं अगस्त महीने की और जानेंगे कैसा रहेगा अगस्त का महीना आपके लिए। तो आप सबसे पहले बात करते हैं आपकी राशि की। तो यदि आपकी राशि है कुंभ तो आइए बात करते हैं आपके करियर की, जिसके लिए यह महीना मिश्रित परिणाम देने वाला सिद्ध होगा। इस महीने आपके दशम भाव यानी कि कर्म भाव के स्वामी मंगल तीसरे भाव में राहु के साथ स्थित होकर अंगारक योग बनाएंगे, जिसकी वजह से आपको करियर के क्षेत्र में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इस दौरान आपके बने बने कार्यों में अचानक ही अड़चनें आ सकती हैं। ऐसे में आपको इस समय अपने करियर को लेकर सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। इसके साथ ही आपको इस बात की भी सलाह दी जाती है कि आप इस महीने कोई भी नया काम शुरू करने से परहेज करें और पुराने कार्य पर ही ध्यान केंद्रित करना आपके लिए लाभदायक रहेगा। महीने के पूर्वार्ध में मंगल अपनी ही राशि में और आपके तीसरे भाव में स्थित रहेगा, जिसकी वजह से महीना का अंत आते आते आपको करियर के क्षेत्र में आ रही परेशानियों से राहत मिल ही जाएगी। ऐसे में अपना धैर्य न खोएं और मुश्किल परिस्थिति का डटकर मुकाबला करें। शिक्षा के दृष्टिकोण से अगस्त का महीना आपके लिए सकारात्मक रहेगा। इस महीने आपके पंचम भाव के स्वामी बुध सप्तम भाव में स्थित रहेंगे, जिस पर सूर्य का आधिपत्य है। सूर्य के घर में बुध के स्थित होने की वजह से कुंभ राशि के जातक शिक्षा के क्षेत्र में अच्छी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। वे जातक जो विदेश जाकर पढ़ाई करने की इच्छा रखते हैं उन्हें इस महीने इससे जुड़ा कोई शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है। इसके साथ ही वे जातक जो किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उन्हें भी इस अवधि में अनुकूल नतीजे प्राप्त हो सकते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में आ रही पूर्व की सभी रुकावटें इस महीने दूर हो सकती हैं और आप इस महीने शिक्षा के क्षेत्र में किए गए अपने सभी प्रयासों का पूर्ण परिणाम हासिल करने में सफल रह सकते हैं, जिससे आपका मन प्रसन्न रहे। पारिवारिक जीवन की बात करें तो अगस्त के महीने में यह अच्छा रह सकता है। आपके दूसरे भाव के स्वामी बृहस्पति अपनी ही राशि में स्थित रहेंगे, जिसकी वजह से घर परिवार में चल रही कलह दूर हो सकती है। साथ ही इस अवधि में परिवार के सदस्यों के बीच भाईचारे और सौहार्द की भावना प्रबल रहेगी, जिससे घर का माहौल सुखद रहेगा। घर के बड़े और बुजुर्गों का आपको इस महीने पूर्ण समर्थन और सहयोग मिलेगा, जिसकी वजह से आप स्वयं को भाग्यशाली महसूस कर सकते हैं। लंबे समय से परिवार में चले आ रहे विवाद को भी इस महीने आप बातचीत के जरिए सुलझाने में सफल रहेंगे। इसके अलावा यदि आपके जीवन में पैतृक संपत्ति संबंधी कोई विवाद चल रहा है तो उसके परिणाम आपके पक्ष में आ सकते हैं या फिर उससे पूर्ण रूप से आपको छुटकारा भी मिल सकता है। घर के किसी नए मेहमान का आगमन हो सकता है, जिसकी वजह से घर का माहौल खुशनुमा रहेगा। महीने के उत्तरार्ध में सूर्य की बुध के साथ युति होगी, जिसका आपके पारिवारिक जीवन पर सकारात्मक प्रभाव रहेगा। इस दौरान परिवार के सदस्यों के बीच आपका महत्व और भी ज्यादा बढ़ सकता है। प्रेम और वैवाहिक जीवन की बात करें तो उसके लिहाज से यह महीना सुखद रह सकता है। इस महीने सप्तम भाव में सूर्य और बुध की युति होगी, जिसकी वजह से बुधादित्य योग का निर्माण होगा। ग्रहों की स्थिति की वजह से आपको इस महीने वैवाहिक जीवन में सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं। जीवन साथी के साथ चल रहा कोई विवाद दूर होने की संभावना है और आप दोनों के रिश्तों में मधुरता आ सकती है। आप दोनों एक दूसरे की भावनाओं को समझने में सफल रहेंगे। इस महीने जीवन साथी के साथ आपका तालमेल भी पहले के मुकाबले बेहतर नजर आ सकता है। जीवन साथी का आपको इस महीने पूर्ण सहयोग प्राप्त हो सकता है और आप दोनों इस अवधि में किसी यात्रा पर जाने की योजना भी बना सकते हैं। वहीं प्रेम जीवन में कुंभ राशि के वो जातक जो नए प्रेम की तलाश में हैं और अकेला जीवन व्यतीत कर रहे हैं उन्हें इस अवधि में उपयुक्त प्रेम साथी मिल सकता है। प्रेम जीवन में आप दोनों एक दूसरे के नजदीक आएंगे और साथ में काफी अच्छा समय बिताने में सफल रहेंगे। आर्थिक जीवन की बात करें तो अगस्त के महीने में बेहतर रहेगा यह। इस महीने दूसरे भाव के स्वामी बृहस्पति दूसरे भाव में वक्री होंगे, जिसकी वजह से आपको आर्थिक स्तर पर अच्छा लाभ मिल सकता है। इस महीने आय के नए स्रोत खुल सकते हैं। इसके अलावा नौकरी कर रहे जातकों को भी इस महीने नए अवसर प्राप्त होने की संभावना है, जिससे उन्हें करियर में प्रगति मिल सकती है। अगस्त महीने की शुरुआत में सूर्य आपके छठे भाव में रहेंगे, जिससे इस अवधि में आपको कुछ गुप्त स्रोतों से भी धन मिल सकता है। साथ ही अचानक से कई धन प्राप्ति के योग बनेंगे, आपकी आर्थिक स्थिति में इससे सुधार आएगा। महीने के उत्तरार्ध में सूर्य सातवें भाव में गोचर करेगा, जिससे आपको धन लाभ होने के प्रबल योग बनेंगे। व्यवसाय कर रहे कुंभ राशि के जातकों को इस अवधि में मुनाफा हो सकता है। वे जातक जो साझेदारी में बिजनेस करते हैं उनके संबंध साझेदार के साथ बेहतर होने की संभावना है। साथ ही इस अवधि में वे साझेदार की समझदारी और मेहनत के जरिए धन अर्जित करने में सफल रह सकते हैं। स्वास्थ्य की बात करें तो अगस्त का महीना आपके लिए मिश्रित परिणाम देने वाला साबित होगा। आपके छठे भाव यानी कि रोग के भाव में शुक्र और सूर्य की युति होगी, जिसकी वजह से आपके शत्रु आप अपनी योजनाओं में विफल होंगे यानी जीत नहीं पाएंगे। इसी वजह से आपको छोटी मोटी स्वास्थ्य समस्याएं जरूर परेशान करेंगी। अपने स्वास्थ्य का इसलिए आपको ध्यान रखना चाहिए।
महीने के शुरुआत में सूर्य अकेले ही छठे भाव में रहेंगे, जिससे आपके क्रोध में बढ़ोतरी होगी। ऐसे में आपको सलाह है कि मानसिक शांति के लिए आप इस अवधि में अपने क्रोध पर नियंत्रण बनाए रखें और आसपास हो रहे किसी भी विवाद में शामिल होने से बचें। महीने के उत्तरार्ध में सूर्य और आपके सप्तम भाव और स्वयं की राशि में गोचर करेगा, जहां उसकी युति बुध के साथ होगी। सूर्य और बुध की यह युति आपकी कुंडली में बुधादित्य योग बनाएगी, जिसकी वजह से स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं से छुटकारा मिल सकता है। उपाय के रूप में पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं, श्री शनिदेव जी की उपासना करें, उनके मंत्रों का जाप करें और बुधवार के दिन गौ माता को साबुत मूंग अपने दोनों हाथों से खिलाएं। तो ये था आपका अगस्त महीने का मासिक राशिफल। हम आशा करते हैं कि अगस्त का महीना आपके लिए शुभ और मंगलदायक साबित हो। आप सभी को मृगांक शर्मा का प्यार भरा नमस्कार। फॉर रेगुलर अपडेट्स फॉलो अवर इंस्टाग्राम पेज राइट नाउ।